मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को प्रदेश में एक दिन में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें अकेले दमोह में ही सबसे ज्यादा 15, सागर में 7, जबलपुर में 3, भोपाल में 2 और इंदौर में 1 नए केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में अकेले सागर में 27 पॉजिटिव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा, कोरोना फिर बढ़ रहा है, बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। टेस्टिंग के साथ साथ लोगों को आइसोलेट करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां सारी हदें तोड़ चुकी हैं। प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एयरफोर्स के अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों से राहत बचाव कार्य और हालातों के बारे में जानकारी ली। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लाइफ जैकेट पहनकर उन्होंने उफनती सिंध नदी पार करके स्थिति का जायजा लिया। वे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने गए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अजीब काम को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर वे चर्चा में हैं। इस बार मामला सफाई को लेकर है। वह बुधवार को अशोकनगर जिले के दौरे पर गए थे। यहां लोगों ने सफाई को लेकर शिकायत की। मौके पर पहले तो तोमर ने सीएमओ को फटकार लगाई, इसके बाद खुद ही फावड़ा लेकर नाले की सफाई करने लगे। गुना की सिटी कोतवाली में रिटायर्ड एएसआई ने थाने में ही फांसी लगा ली है। कोतवाली परिसर में लगे मोबाइल टावर पर बुधवार को शव फंदे पर लटका मिला। खास बात है कि 30 जुलाई को वह हेड कांस्टेबल पद से प्रमोट होकर एएसआई बने थे, वह 31 जुलाई को ही रिटायर हो गए। पूरा जून बारिश का इंतजार कर रहे ग्वालियर चंबल अंचल में मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। यहां बारिश अभी थमने वाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम ग्वालियर, शिवपुरी और उत्तर प्रदेश की तरफ ही सक्रिय है। अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड सहित 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।